हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो चैप्टर चल रहा था हमारा बॉटनी का, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, एक या दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप और हमारे आंसरों में विविधता हो, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर परेशान मत होइएगा। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर किताब से चेक करके हमें आंसर बताइएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इनमें जो एरर है वो जीरो है, और जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है उनको क्वेश्चंस को रीचेक कर लेते हैं। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि रीचेक करने से रह जाता है और आप तक आंसर आपके अनुकूल नहीं होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन, सनकेन मीन्स होता है धंसे हुए, रंध्र किसमें पाए जाते हैं। सनकेन स्टोमेटा का मतलब होता है धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, धसे हुए रंध्र जीरोफाइट, जलमग्न नहीं होता, ये गलत लिखा है। सनकेन स्टोमेटा का मतलब होता है धसे हुए, तो जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स में क्यों पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स मतलब मरोदभिद, ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी या ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ जल की कमी होती है। तो धसे हुए स्टोमेटा की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन कम होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, और जल की जो हानि होती है कम होती है। ये एक एडॉप्टेशन है। क्या है? एडॉप्टेशन है या अनुकूलन है पौधों में, जो उनको मरुस्थल में जीने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने दिया भी है शायद नागफनी, देखिए दिया हुआ है, एलॉय दिया है, ब्रायोफिल्लम, कनेर, मदार आदि। देखना, ये सब ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ पानी नहीं हो, या जहाँ रेतीली भूमि हो, या आप देखेंगे कि कनेर और मदार आदि रोड के बीच में लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की आवश्यकता कम होती है। मदार क्या होता है? जैसे ईंट या ये सब पड़े हुए हैं, पत्थर वगैरह, वहाँ भी उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन संदर्भित है। तो यूट्रोफिकेशन का हम आपको बता दें कि जब वहाँ जो शब्द बोलें कि वहाँ जो उत्पादन क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो एक जली परितंत्र में उच्च उत्पादन से संबंधित है यूट्रोफिकेशन। TGT बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें मॉलीविडनम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। मॉलीविडनम तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसकी बहुत कम मात्रा पौधों में आवश्यक है। मॉलीविडनम का एक विशेष कार्य उसने देखे बताया क्या है, नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया में नाइट्रेट रिडक्टेज नामक जो इंजाइम को क्रियाशील करता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को कौन सा एलिमेंट सक्रिय करता है, तो मॉलिबिडनम है। इसका दूसरा काम क्या है, यह अमीनो अम्ल सांद्रता को संचालित करता है। तीसरा, एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी के संश्लेषण में सहायता करता है। हरित लवक के रक्षक के रूप में होता है, रक्षक के रूप में। न्यूनतम लक्षण इसकी कमी से पत्तियों में अंतर सिरी हरिमहीनता, पुष्पन की क्रिया निरुद्ध हो जाती है। इसकी कमी से फूल गोभी में हिप्टिल नामक बीमारी हो जाती है। ये भी पूछ सकते हैं हिप्टिल डिजीज किससे होती, तो मॉलीविडनम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कितने ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हुए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है, तो हम आपको बता दें ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये पॉल्यूशन में भी इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने इससे पहले बताए हैं। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है, तो आप सब जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक औषधि जीव भू रासायनिक चक्र होता है, तो देखिये ए सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल इज, तो उसमें कौन सी साइकिल है, तो वो सल्फर साइकिल है। ये क्वेश्चन लगभग इसके कुछ क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने आपको बताए हैं। ट्रॉपिकल लेवल इन ए फूड चेन सो, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, तो एनर्जी लेवल को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस खासियाना इज, तो ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक तथा प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही, प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक,
तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्योंकि प्राथमिक मांसाहारी है, कार्निवोरस है, तो आप सब जानते हैं कीटों को यह भक्षण करता है, और प्राथमिक उत्पादक चूंकि एक प्लांट है तो इसलिए प्राथमिक उत्पादक के श्रेणी में आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉयल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो अगर सॉयल लेस बिना मिट्टी का जो कल्चर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो अगर जल में किया जा रहा है तो आप सब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं कहीं हाइड्रोपोनिक्स, तो ऑप्शन सही है सी हाइड्रोपोनिक्स 2000 पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द दीज प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर, इनमें कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है, तो ऑर्किड है। ऑर्किड में क्या होता है, ऑर्किड में संरचना वेलामेन पाई जाती है, वो वेलामेन संरचना स्पंजी होती है जो वायुमंडल की नमी होती है उसको सोख लेता है, जो उसकी पानी की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आर, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हार्वी वोरस शाकाहारी होते हैं, तो बिल्कुल सही है शाकाहारी होते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो पौधों को सीधे खाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है गाय, बकरी, भैंस और खरगोश, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि खरगोश को किसने खा लिया, मान लेते हैं कुत्ते को खा लिया, और टर्सरी कंज्यूमर मान लो कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो हो गया टर्सरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निमेटोफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन, निमेटोफोर से एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं, तो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, ये राइजोफोरा, ध्यान रखिए सोनी रेटिया एप्सिनिया, तो एप्सिनिया और राइजोफोरा ध्यान रखिए, ये दोनों बहुत पूछते हैं, कभी कभी राइजोफोरा नहीं दे रखा एप्सिनिया दिया रहता है, तो इनका काम है क्या करना, रेस्पिरेशन। क्योंकि ये क्या होते हैं, ऐसे जगह पाए जाते हैं दलदल और लवणी जगहों पर पाए जाते हैं, ज़्यादा नमक होने के कारण पौधे रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जड़ें ऊपर सूल की तरह बाहर निकल आती हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम पोल्यूटेंट इज एसोसिएटेड विद डिजीज, तो इटाई इटाई से कैडमियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं उसमें, आपके जो पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ इको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अलग है, ये बॉटनी का पेपर है, वो जूलॉजी का सॉल्व करा रहे थे। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की रोशनी प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ये क्या है, तो देख लेते हैं, कैंसर उत्पन्न करता है, CO2 विरोधी है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, ये 200 से 300 तीजे से मिलती है। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई इज कॉल्ड, एक जीव जो जीवाणु अथवा कवक के अलावा मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है, तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं समझ पाए हम, एक जीव जो जीवाणु अथवा कवक के अलावा मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेट्रीवोर, ध्यान रखना क्या कहलाता है, डेट्रीवोर के नाम से जानते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई कॉल डेट्रीवोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको नोट करके रखिएगा। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर, काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन रहना सॉरी गैंडो के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेविट एक्ट एज, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रेविट कैसा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लू बेबी ये उसमें एलटी ग्रेड में भी आया था, जो इन लोगों ने भी दिया था, एलटी ग्रेड में चयन भी हो गया। ब्लू बेबी डिजीज इज कॉज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ, तो वो ऑप्शन सही है नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंटेलम एल्बम इज ए, तो ये सेंटेलम एल्बम एक पार्शियल या आंशिक जड़ परजीवी है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड, पारिस्थितिक तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ऑप्शन यूपीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, दिस इज कॉल्ड, जब एक जीवधारी दूसरे को प्रभावित गिने बिना लाभान्वित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, मृतोपजीवी सहकारिता या कॉमन सेलिज्म, और एक और आपका दिया होगा तो उसको, या सिम्बियोसिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, तो टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था, तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है तो टेंसले ने दिया था, ध्यान रखिएगा, और इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया था। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जिससे मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो डॉप्सन इकाई बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डॉप्सन यूनिट्स क्या होती है, तो इससे हम ओजोन की परत की मोटाई नापते हैं, डॉप्सन इकाई से। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्मिज, तो सैप्रोफाइटिक मोनो जो ट्रोपा है वो कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, ध्यान रखिएगा। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो एनर्जी का पिरामिड हरदम सीधा होता है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। द प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर इज, तो सबसे जो बिगेस्ट फ्लावर है वो किसका है, रेफलीसिया का है, जो क्या है, इंडोनेशिया में पाया जाने वाला आशाजनक परजीवी पौधा, जो मुख्य पूर्ण मूल परजीवी है, तो ये है टोटल रूट पैरासाइट रेफलीसिया, इससे सड़े मांस की गंध आती है, ये कई वर्षों बाद खिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट बच्ची है, तो कस्कुटा ड्रोसेरा एक कीट बच्ची है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें एरेनकाइमा बहुतायत में मिलता है, बताएगा, एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा ढेर सारी मिलती हैं, इसीलिए ये पौधे जल में तैरते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मर्ज्ड, इनमें करेक्टली मर्ज्ड कौन सा नहीं है, तो ओरोब्रैंकी, कस्कुटा परजीवी पौधा, यूट्रिकुलोरिया जलोद्भिद है, नेफेंथिस कीट बच्ची, तो ऑप्शन बी मैच नहीं है, ओरोब्रैंकी मरोद्भिद पौधा, ये गलत है, ओरोब्रैंकी एक परजीवी पौधा है। बीओडी स्टैंड्स फॉर, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑप्शन इसका भी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी से पूछे जाने प्रश्नों की, इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा वो प्लांट पैथोलॉजी के से अभी तक जो टीजीटी पीजीटी केवीएस डीएसएसबी और हायर एजुकेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लांट पैथोलॉजी की। इसी के साथ नमस्कार।